नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कैसे हमारे प्रिय मोदी जी की तरह उच्च स्तर का भाषण दिया जाता है। शुरुआत में अपने अन्नदाता श्री श्री अंबानी जी को मन ही मन में प्रणाम करेंगे, फिर मंच पर उपस्थित आपके कालिया और सांबा का शुक्रिया अदा करना जरूरी है, क्योंकि उनके बिना देश को इतनी बखूबी से लूटना आपके लिए संभव नहीं था। भाषण की सफलता के लिए आपको ये मानना जरूरी है कि जनता बेवकूफ है और आपके झूठ को पकड़ नहीं पाएगी। अगर आप मुख्यमंत्री स्तर के नेता हो तो आपके भाषण में लगभग 5 से 10 झूठ बोलना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री स्तर के नेताओं के लिए झूठ बोलने की कोई पाबंदी नहीं है। भाषण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी आवाज तेजी से बढ़ती रहे, ठीक जैसे तेल के दाम इस समय बढ़ रहे हैं। भाषण के दौरान 2-3 बार महात्मा गांधी का उल्लेख करना अनिवार्य है, भले ही आपके कर्म गांधी जी के विचारों की हत्या करते हों। भाषण के दौरान अगर आपका कोई नेता सोता हुआ पाया जाए तो समझिए आपका भाषण सही दिशा में जा रहा है। बीच बीच में पिछले 4 साल के काम को लेकर झूठे आंकड़े फेंकते रहे। साथ ही ध्यान रहे, इस दौरान 20 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जैसे आंकड़े गलती से भी ना निकल जाए, क्योंकि इससे आपकी पोल खुलने का डर रहेगा। 1,30,000 करोड़ का घोटाला करके आपने भारत माता की पराजय की जो कहानी लिखी है उसको नजरअंदाज करते हुए आखिरी में नाटकीय ढंग से दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गलाफाड़ आवाज में भारत माता की जय बोलिए। अगर आप इन बिंदुओं पर खरे उतर जाते हैं तो मोदी जी के आशीर्वाद से आप भी भाजपाई चरित्र के नेता बन सकते हैं, और क्या पता आगे चलकर आप भी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं।